सेक्टर 7 में युवा बोलेगा मंच एवं अन्य सामाजिक संस्थाओं द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें युवा बोलेगा मंच के संचालक जेपी शेखपुरा ने जानकारी देते हुए बताया कि करनाल के सेक्टर 14 मकान नंबर 325 जो एक बुजुर्ग दंपत्ति का है, यह बुजुर्ग दंपत्ति सरकारी नौकरी से रिटायर्ड है। इनके बेटे की लगभग 23 साल पहले मृत्यु हो गई थी। इनको अकेला जानकर एवं बुजुर्ग समझकर इनके मकान पर कब्जाधारी व्यक्ति द्वारा कब्जा किया गया है, जिसको लेकर सभी संस्थाओं ने एकत्रित होकर यह आवाज सरकार तक पहुंचाने का अनुरोध किया है। इस मौके पर बुजुर्ग दंपत्ति ने बताया कि कब्जाधारी को उन्होंने मकान किराए पर दे दिया था, परंतु वह उनको अकेला जानकर पिछले 12 साल से उस पर कब्जा किए हुए है और वह किराए के मकान में रहने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि पुलिस में एवं सीएम विंडो में भी शिकायत करने के बाद भी अभी तक कब्जाधारी के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया है कि उनके मकान को खाली करवा कर उम्र के इस दौर में अपने मकान में रहने के लिए भेजा जाए। वहीं इस मामले में विभिन्न सामाजिक संस्थाएं भी आगे आ रही हैं। संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने कहा कि सीएम सिटी में हो रहे इस तरह के कब्जों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर बुजुर्ग संपत्ति का मकान खाली नहीं करवाया गया तो सभी संस्था एकत्रित होकर संघर्ष का रास्ता अपनाएंगी एवं धरने प्रदर्शन करने के लिए मजबूर भी होंगे। देखिए एक रिपोर्ट। ये 325 सेक्टर 14 का मकान है जो कि आराम से किराए पर बैठा हेमंत कुमार खुद तो एक तरफ हो गया, अब हरजीत कौर को आगे कर दिया है और ना तो हमें किराया देता है और हमें इतना हरास करता है। नवंबर 16 में मेरे हस्बैंड का इसी यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया कि इतना टॉर्च किया कि मेरे हस्बैंड के हाथ से स्कूटर छूट गया और 15 दिन उनको होश नहीं, सिर की हड्डी काट के पेट में रखी और दोबारा रिप्लेस करी। उसके बाद फिर दोबारा किराया लेने गए तो इसने इतना टॉर्च किया कि मेरे हस्बैंड को खून की उल्टियाँ शुरू हो गई। ये सहन नहीं कर सकते क्योंकि इनके इन्होंने सारी जिंदगी दुख ही देखे हैं, क्योंकि मेरी दो लड़कियों की डेथ हो गई थी, एक लड़के की डेथ हो गई। ये बचपन में बाप का प्यार नहीं देखा, ये सहन नहीं कर सकते। और बार अब कल भी हमारे पास धमकी आई है कि तुम किसी मीडिया को लोगे तो हम आपको मरवा देंगे। आप यहाँ किराए पर बैठे? हाँ जी। वो कब से बैठा किराए? 2008 में बैठे हम 5-6 साल से अपने मकान में जाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कोई हमारी वहाँ जोड़ जोड़ के वो देखते हैं कि इनके पास कोई खड़ा होने वाला है नहीं और इनका मकान कब्जा कर लिया। तो उसने कब निकाला था आपको मकान से? वो तो बैठा था, हमने तो हम हेमंत कुमार को बिठाया। अच्छा। वो हमें अब आगे अंदर जाने नहीं देता। पुलिस रिपोर्ट करवाई आपने? पुलिस रिपोर्ट करवाई, सीएम सेल में भी दिया था, सीएम सेल में भी दी, एसपी सर को भी दी। वहां तो कह दिया कि 30 लाख दिया, फिर कोर्ट में कह दिया कि मैंने 45 लाख दिया, 25 लाख भागो देवी को। हमारे परिवार में कोई भागो देवी भी नहीं है। अच्छा। और कोई उसका... आप क्या चाहते हैं? हमें मकान चाहिए, हम अपने मकान में रिश्ते। क्या नाम आपका? बिमला। सुपरिटेंडेंट? हाँ जी। क्या मामला, पूरा बताइए। किराया देना बंद है, मैं ग्रोवर बैठा था किराया पे और फिर बाद में उसने हरजीत कौर को बिठा दिया। पता नहीं कौन है उसकी, कहते मेरी मुंह बोली बुआ है और फिर वो खुद चला गया कहीं और। वो कहता है मैं खाली करती, वो कहता है मेरा कोई मतलब नहीं है अब ना, 7.5 साल हो गया किराया भी नहीं दे रहे और फिर मकान हमने कहा खाली कर दो, हमें चाहिए, हम किराए पर बैठे हुए हैं, हमारा कोई मकान नहीं है। एक मकान वही मकान है हमारा जिसके लिए हम वहाँ कह रहे हैं अभी खाली कर दो, हम किराए पर बैठे हुए हैं तो नहीं खाली करते। तो कुछ पैसे दिए उसने आपको? नहीं, कोई पैसे नहीं दिए हमें। झूठे आरोप लगा के वो कहते हैं हमने आपसे मकान ले लिया है, दिए कुछ नहीं दिया, लिया ना हमें कुछ दिया ना कुछ, बड़े किराया भी नहीं दे रहा और हमें हरास कर रहे, जगह जगह से धमकियां भिजवा रहे कि तुम्हें मरवा देंगे। हम समाज से प्रार्थना करते हैं ऐसे बुजुर्गों के ऊपर समाज के साथ खड़ा हुए। बाकी समाज जो है वो ध्यान से, अगर किराया पर चलाना है तो ध्यान से किराया पर चलाए, पुलिस वेरिफिकेशन करा के ताकि कोई ऐसे बंदे ना मिले उनको जिससे उनका मकान भी कब्जे में रोज। बस रोना। हाँ जी, जेपी जी, आज किस लिए संस्थाएं इकट्ठी हुई हैं यहाँ पे? देखो ये लेटर भी आया हरियाणा फूड सप्लाई की तरफ से, एसोसिएशन की तरफ से और अपना आसियाना और बाबा मीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह। ये जो विमला देवी है ये सुपरिटेंडेंट है, रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट, और करनाल में ही 25-30 साल तक नौकरी की है और पूरा हरियाणा का डिपार्टमेंट ये कहता है कि ईमानदारी से इन्होंने काम किया है। मैं तो अचानक 2003 में ठेकेदार था, मैंने पहचान लिया। और ये प्रोफेसर है जो पॉलिटेक्निकल से नीलोखेड़ी से रिटायर हुए हैं। ये बुजुर्ग
आठ साल से धक्के खा रहे हैं। हमारे देश का जो कानून है, कोर्ट है, जो कब्जादारी होता है उसकी मंशा होती है बुजुर्ग आदमियों के प्रति कि पहले लोअर कोर्ट, फिर अपना सेशन कोर्ट और फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इस तरह से 10-15 साल के बाद ये लोग ऊपर चले जाएं और इसके बाद जो इनका कब्जे का मकान है वो कब्जे का मेरे हाथ में आ जाए। तो इस तरह से मंशा होती है। इनकी दुख भरी आप बीती कहानी आप लोगों तक पहुँचाने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। युवा बोलेगा जैसे 18-20 दिन पहले भी एक कुत्तों से नोचती हुई एक बुजुर्ग मिली थी। तो ये चीजें हैं, ये क्यों ऐसा करते हैं? आपके द्वारा एक तो कानून में तेजी आ जाए, आपके द्वारा उस कब्जादारी को सुधबुद्धि आ जाए और ये अपनी जिंदगी में अपने मकान में वापस चले जाए। ये यहाँ पर हमारा आपके सामने वार्तालाप है। कोई कोर्ट में मामला है? कोर्ट में तो कोई कर लो, सिविल मामला एक ऐसा मामला होता है जिसको कोर्ट में अगर दीवार से दीवार मिला करके कर दो कोर्ट में। उसने इन्होंने किसी के कहने से कनेक्शन कटवा दिया, भाई हम तंग हो चुके हैं, किसी ने कहा भी बिजली कनेक्शन कटवा दो। बिजली कनेक्शन कटवाते ही हमारे देश के कानून में एक ऐसा कानून है कि टेम्परेरी मीटर ले लेता है और टेम्परेरी मीटर जो लिया तो उसके बाद फिर उसने कह दिया 25 लाख दिए जी, 45 लाख दिए, ना कोई लिखतम है, ना कुछ है, ना कोई लेना देना है। कोर्ट में ही मामले के मैं एज ए वकील भी हूँ, मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि बुजुर्ग ऐसे ऐसे बुजुर्गों की कहानी आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि हमारे कानून में भी कुछ ऐसा बदलाव आए कि ताकि बुजुर्गों को न्याय, हाँ या ना, न्याय मिले या अन्याय मिले, पर 6 महीने में साल में फारिक हो जाना चाहिए। अब क्या मांग करते हैं आप, किस लिए इकट्ठे हुए? बस अभी आज हम लोगों ने आप बीती ये सुना रहे हैं, उसके बाद हम एसपी साहब के पास भी जाएंगे, उसके बाद हम परमिशन भी लेंगे वहाँ तक जाने के लिए। सामाजिक संस्थाएं और जाग जाएंगी करनाल की और समाज के हाथ में ये बागडोर आ जाएगी। फैसला समाज करेगा, करनाल शहर करेगा, पंजाबी समुदाय करेगा, पूरा सर्व समाज करेगा। तो कहने का मतलब है कि सबके सामने हम ये मतलब लेके चल रहे हैं कि ऐसे भी हमारी CMCT में हो रहा है कि इनको मकान दिलाओ, इनको अपना मकान दिलाओ, अपनी जिंदगी में ही अपना मकान देखना चाहते हैं जिसको इन्होंने पूरी ईमानदारी से पैसा इकट्ठा करके मकान बनाया, तो उस मतलब उसमें वापिस जाए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.